ये आप देख रहे हैं, ये हमारा जेट प्लांट है और इसकी आप ब्रांचेस देख सकते हैं। ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण आप देख सकते हैं इनकी जो स्टेम है ये गल चुकी हैं, और गलने के बाद ये प्लांट जो है ये भी सूखने लगा है। ये आप देख सकते हैं, जो मैच्योर ब्रांचेस हैं वो आप देख सकते हैं वो बिल्कुल ही सही है, प्लांट जो है ये बिल्कुल ही हिल नहीं रहा है। जो स्टेम छोटी होती हैं और जो मैच्योर नहीं होती हैं वो पानी में इस तरह से ज़्यादा ओवर वाटरिंग से या बारिश में इस तरह से ये गल जाती हैं। तो ये हमारी टोपियारी जो है ये ख़राब हो चुकी है, तो इसको हम दोबारा से रिपोर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं बारिश से बचाने के लिए हमने अपने जेट प्लांट को इस तरह से छाया में रख दिया है। तो ये जो छाया में प्लांट रखे हैं ये बिल्कुल ही सही हैं। ये आप देख सकते हैं इनकी जो रूट्स हैं, इनके ये जो रूट्स हैं और जो प्लांट हैं ये गले नहीं हैं। इनमें आप देख सकते हैं ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इनकी पत्तियां जो हैं बिल्कुल ही ग्रीन और हेल्दी हैं। ओवर वाटरिंग से ही हमारे जो प्लांट हैं ये जेड प्लांट जो है ये ख़राब हो जाते हैं। तो इनको हमें बारिश से बचाना है, और ओवर वाटरिंग से पत्तियाँ पीली होकर झड़ने भी लगती हैं, और आप देख सकते हैं इस तरह से पत्तियाँ सिकुड़ने भी लगती हैं। ये आप देख सकते हैं सिकुड़ने भी लगती हैं ज़्यादा पानी के कारण। कुछ जो कटिंग्स हैं हमारी इनकी ओवर वाटरिंग की वजह से जो जड़ें हैं वो गलने लगी हैं। तो इनको यहाँ से काट कर और फिर हम आगे से इसको मिट्टी में लगा देंगे। टर्टल वाइन जो होती है इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये जो टर्टल वाइन है आप देख सकते हैं ये हमारी टर्टल वाइन जो है वो हेल्दी है बिल्कुल, और ये ग्रीन भी है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी फंगस भी नहीं लगा है, और उसकी रूट्स भी बहुत ही हेल्दी दिख रही हैं, प्लांट भी बहुत ही हेल्दी दिख रहे हैं। और ये हमारी टर्टल वाइन लगी है भी बहुत ही हेल्दी है। जो पुराने प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम मोटी होती हैं ये ओवर वाटरिंग से ख़राब नहीं होती हैं, आप देख सकते हैं। एक ये है हमारा प्लांट, ये भी सही है, अभी इसकी भी रूट्स गली नहीं है ओवर वाटरिंग से, और लगातार बारिश से ये जो स्टेम होती हैं ये गलने लगती हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये भी हमारा पुराना प्लांट है, तो ये भी बिल्कुल ही हेल्दी प्लांट है। और ये कलांचो का प्लांट है, इसे भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, तो ये भी ज़्यादा पानी से गलने लगता है, ज़्यादा अगर लगातार बारिश में इसको रख देंगे तो ये भी गल सकता है, इसीलिए इसको भी हमने छायादार जगह में रख दिया है। इसमें जो ये जो मिट्टी जो है इसमें काई जम गई है, तो इसको हटा देंगे, और हल्की सी मिट्टी जब सूख जाएगी तब हम अपने प्लांट की गुड़ाई कर देंगे। अगर गीली मिट्टी में गुड़ाई करते हैं तो जड़ें कटने का डर रहता है। आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।